और ऐसा गाय है जो 6 महीने दूध भी देता है वो 6 जन्म तक दूध देगी। और पहले भी आप इससे बाकी हो, स्पिल कब कहलाता है? दो डायरेक्ट के बाद तीसरा डायरेक्ट क्या कहलाता है? तो यहाँ पे दो डायरेक्ट ए और बी के बाद कौन आया? तो सी क्या कहलाएगा? स्पिल कहलाएगा। अब बताओ ये स्पिल सी का कितना प्रतिशत मिलेगा? 7 नहीं 3 नहीं पूरा 10% आपको मिलेगा। अब ये सी ने सी वन और सी टू को ज्वाइन कराया तो क्या मिलेगा ना? सी वन का भी 10% मिलेगा और सी टू का भी 10% मिलेगा। बात समझ में आया? अच्छा दूसरा सवाल आप ध्यान दो, ये सी वन ने एक्स और वाई को ज्वाइन कराया इसका स्पीड किसको मिलेगा? किसने ज्वाइन कराया? इन्होंने एक्स और वाई को ज्वाइन कराया, स्पीड किसको मिलेगा? बताओ इसका पैसा किसको मिलेगा? Y को मिलेगा, मतलब आपको मिलेगा। बात समझ में आया? और अंदर जाके देखते हैं। अच्छा ये X ने किसको ज्वाइन कराया? X2 और X3 को ज्वाइन कराया, इसका स्पीड किसको मिलेगा? क्या इसका कर्जा ना करें तो इसको मिलेगा? ये मैडम बताएगी, बताओ मैडम किसको मिलेगा? आप बताओ वाई को क्यों मिलेगा? किसको मिलेगा बताओ? पक्का? मतलब अगर ये एक्स ने X2 X3 को ज्वाइन कराया तब भी पैसा वाई को ही मिलेगा। स्पीड आपको मिलता है। अब थोड़ा सा ध्यान और सीखने वाली बात है, मिलेगा किसका नहीं ये भी तो समझना पड़ेगा ना। अगर ये सी ने इधर सी थ्री को ज्वाइन कराया इसका स्पीड किसको नहीं मिलेगा? वाई को नहीं मिलेगा। बात समझ आया? लेकिन ये दोनों जब तक बिजनेस करता रहे, ये जब तक ए और बी मतलब डायरेक्ट वन डायरेक्ट टू जिंदगी भर ये लगाता रहेगा और जिंदगी भर उसका स्पिल आपको मिलता है।